हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा अगले पार्ट में या उससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा कि संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, उसमें अभाज्य संख्याओं को हमने पढ़ा था। अब उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम कहें कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं या पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अध्ययन किसका करते हैं भैया, महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अब देखिए, अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते क्या हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा क्रमागत पूर्णांक संख्या। अब अगर हम देखें कि क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या है या क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याओं को ही हम क्रमागत पूर्णांक संख्या कहते हैं ना, यानी कि हम लिख सकते हैं क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याओं को या क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याएं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याएं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब समझिए कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, तो हम बात कर सकते हैं कि जो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं होंगी, अगर हम कहें तो मान लीजिए यहाँ से कहा जा सकता है कि जैसे जीरो है, ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं लेकिन अभी धनात्मक ही ले रहे हैं, एक है, दो है, तीन है, चार, पाँच, छः, ऐसे ही हम बहुत से संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट समझा जा सकता है कि देखिए, जो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें कितने का अंतर होता है भैया, तो आप कहेंगे जीरो से एक, एक का अंतर, एक से दो, एक का अंतर, दो से तीन, एक का अंतर ना। तो हम कह सकते हैं कि आप किसी भी संख्या को लेंगे तो कोई भी निकटवर्ती दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर मिलेगा, एक का अंतर मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी निकटवर्ती या निकटतम किसी भी निकटतम दो क्रमागत संख्याओं के बीच कितने का अंतर भैया, एक का अंतर होता है। यानी कि कहा जा सकता है किसी भी निकटतम दो क्रमागत संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है, तो आप कह सकते हैं एक का अंतर होता है। जैसे देखिए, यह क्रमागत संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इसमें अगर कहा जाए निकटतम दो क्रमागत, यहां लिख सकते हैं पूर्णांक, किसी भी निकटतम दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है ना, हमेशा एक का अंतर होगा। अब अगला पॉइंट, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसे भी नोट कर लेंगे,
यदि प्रथम क्रमागत संख्या अगर प्रथम क्रमागत संख्या मान लीजिए यक्ष है, अगर प्रथम क्रमागत संख्या यक्ष है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी भैया, यक्ष प्लस वन, क्योंकि इसमें एक और जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी। उसी तरह से हम कर सकते हैं तीसरी क्रमागत संख्या, तीसरी क्रमागत संख्या इसमें एक और जोड़ दीजिए तो यक्ष प्लस दो हो जाएगी। अगर हम कहें कि चौथी क्रमागत संख्या, अगर हम चौथी क्रमागत संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यक्ष प्लस तीन हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहा जाए पांचवी क्रमागत संख्या तो क्या हो जाएगा भैया, यक्ष प्लस चार हो जाएगा ना। ऐसे हम क्रमागत संख्याओं को लिख सकते हैं, छठवीं क्रमागत संख्या यक्ष प्लस पाँच हो जाएगा, सातवीं क्रमागत संख्या यक्ष प्लस छः हो जाएगा। ऐसे ही हम क्रमागत संख्याओं को लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याएं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही हम बहुत सी संख्याओं को, चूंकि ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, किसी भी निकटतम दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है। अगर हम कहें यदि प्रथम क्रमागत पूर्णांक संख्या, अगर पूर्णांक भी जोड़ लें तो कोई बात नहीं है, यदि प्रथम क्रमागत पूर्णांक संख्या यक्ष है तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या यक्ष प्लस वन हो जाएगी, तीसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या यक्ष प्लस दो हो जाएगी। हर एक में आप चाहें तो पूर्णांक जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां भी मान लीजिए चौथी क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी भैया, यक्ष प्लस तीन हो जाएगी, पांचवी क्रमागत पूर्णांक संख्या यक्ष प्लस चार हो जाएगी। हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, यह तो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के विषय में पढ़ा गया, अब आगे जो आता है जिसके विषय में हमको पढ़ना महत्वपूर्ण है, अगर हम इतना जानते हैं तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रमागत सम संख्या, और क्रमागत विषम संख्या। देखिए अगला जो नंबर है वह क्या है भैया, क्रमागत सम संख्या। अगर हम क्रमागत सम संख्या की बात करें तो हम क्रमागत सम संख्या किसे कहेंगे भैया, तो आप कह सकते हैं क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली सम संख्याओं को हम क्रमागत सम संख्या कहते हैं ना। आप लिख सकते हैं क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। यानी क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। जैसे अब यहां समझिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बहुत सी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सही। अब यहां एक चीज आपने देखा होगा, 2 से 4 कितने का अंतर भैया, 2 का, 4 से 6 2 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर, 8 से 10 2 का अंतर। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है ना।
तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, किसी भी निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। कितने का अंतर? तो हम कह सकते हैं किसी भी निकटतम क्रमागत सम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है ना, किसी भी निकटतम क्रमागत सम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। देखिए जैसे दो से चार हुआ, चार से छः हुआ, छः से आठ हुआ, तो देखेंगे सब में दो का अंतर हुआ, तो हम लिख सकते हैं किसी भी निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर भी या दो का अंतर, सही है। अब यहां पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, यदि पहली क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए पहली क्रमागत सम संख्या x है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी क्रमागत सम संख्या कितनी हो जाएगी भैया? अगर पहली क्रमागत सम संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दो अधिक हो जाएगी उससे, तो आप कह सकते हैं x में दो जोड़ देंगे ना। अगर कहा जाए कि तीसरी क्रमागत सम संख्या तो क्या हो जाएगी, कहेंगे दो इसमें और जोड़ देंगे तो x प्लस दो था और दो और जोड़ देंगे तो x प्लस चार हो जाएगा। फिर उसी तरह से चौथी क्रमागत सम संख्या, अगर हम बात करें चौथी क्रमागत सम संख्या तो x प्लस कितना हो जाएगी, छः हो जाएगी। अगर कहा जाए पांचवी क्रमागत सम संख्या, अगर पांचवी क्रमागत सम संख्या की बात करें तो x प्लस कितना हो जाएगा भैया, आठ हो जाएगा। वैसे ही छठवीं क्रमागत सम संख्या x प्लस दस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे हम क्रमागत संख्या को लिख सकते हैं, क्रमागत सम संख्या को लिख सकते हैं, यानी क्रमागत सम संख्या क्या हुई, तो हम कह सकते हैं कि क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो चार छः आठ दस, यह क्रमागत सम संख्या है। अगर किसी भी निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर, तो दो का अंतर होता है। देखिए दो से चार हुआ दो का अंतर, चार से छः हुआ दो का अंतर, छः से आठ हुआ दो का अंतर, आठ से दस हुआ दो का अंतर, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं के मध्य दो का अंतर होता है या उसके बीच दो का अंतर होता है। यदि पहली क्रमागत सम संख्या x है तो दूसरी x प्लस दो हो जाएगी, तीसरी x प्लस चार हो जाएगी, चौथी x प्लस छः हो जाएगी और आठवीं, अरे क्या नाम, पांचवीं कितना हो जाएगी भैया, x प्लस आठ हो जाएगी ना। अब एक और संख्या रह जाती है जिसका नाम है क्रमागत विषम संख्या, इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर जहाँ भी हम कहें कि संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं हमारे यहाँ, उन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो उसमें क्रमागत संख्याओं के विषय में हमें पढ़ना होता है, तो इतना हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यह हम नहीं जानते हैं तो हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। चलिए अगला नंबर क्या हो गया भैया, क्रमागत विषम संख्याएं। अब यह क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी हैं? तो हम वही कह सकते हैं क्रम से आने वाली
क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं ना। कहा जा सकता है कि क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप समझिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही हम अगला लिख सकते हैं 11, ऐसे ही हम बहुत सी संख्याओं को लिख सकते हैं, चूंकि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन केवल हम एग्जाम्पल में धनात्मक संख्याओं को ले रहे हैं। सही है। अब देखिए, यहां कंफर्म रूप से आप देख सकते हैं कि 1 से 3 हुआ है ना, तो कितने का अंतर? 2 का अंतर। 3 से 5 हुआ, 2 का अंतर। 5 से 7 हुआ, 2 का अंतर। 7 से 9 हुआ, 2 का अंतर ना। 9 से 11 हुआ, 2 का अंतर। फिर 11 से 13 होगा, 2 का अंतर। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी निकटतम दो क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है ना। जैसे सम संख्या में पढ़ रहे थे, वैसे विषम संख्याओं में भी हम रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं किन्हीं निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर, 2 का अंतर होता है। किन्हीं निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है ना। अगर हम कहें कि किन्हीं दो निकटतम क्रमागत विषम संख्याओं को लेंगे तो उनके बीच कितने का अंतर होगा भैया? 2 का अंतर होगा। जैसे समझिए, 1 से 3 हुआ है, 2 का अंतर। 3 से 5 हुआ, 2 का अंतर। 5 से 7 हुआ, 2 का अंतर। 7 से 9 हुआ, 2 का अंतर। 9 से 11 हुआ, 2 का अंतर। यानी किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य कितने का अंतर हुआ भैया? 2 का अंतर हुआ। सही है। अब देखिए, समझिए यहां से, अब अगला पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। यदि ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है छात्रों को, यदि पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो भैया? यक्ष हो, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितना हो जाएगी भैया? यक्ष प्लस 2 ना, क्योंकि 2 का ही अंतर है, तो पहली यक्ष है तो 2 बढ़ा देंगे तो अगली मिल जाएगी, यक्ष प्लस 2 हो जाएगी ना। देखिए, 2 का अंतर हुआ, कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि नहीं, पहली यक्ष है तो दूसरी यक्ष प्लस 3 हो जानी चाहिए। यह एकदम गलत है, क्योंकि इसके बीच 3 का अंतर हो गया, जबकि क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। यदि पहली को आप यक्ष प्लस 1 मानते तब यह 3 होता, लेकिन इसको इतना करने की जरूरत क्या है? x प्लस 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 होगी। उसी तरह से हम कर सकते हैं तीसरी क्रमागत विषम संख्या, फिर भी इससे 2 अधिक हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं x प्लस 4 हो जाएगी। चौथी क्रमागत
क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी भैया, x प्लस 6 हो जाएगी। अगर हम कहें पांचवी क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो पांचवी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो x प्लस कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सही है, ऐसे हम क्रमागत संख्याओं को निकाल सकते हैं। देखिए दो का अंतर x है तो x प्लस 2, फिर 2 जोड़िएगा तो x प्लस 4, फिर जोड़िएगा x प्लस 6, x प्लस 8। यानी कि अगर पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 4 होगी, चौथी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 6 होगी और पांचवी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 8 हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि ऐसे हम क्रमागत विषम संख्याओं को निकाल सकते हैं और देखेंगे तो इन्हीं संख्याओं को लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि एग्जाम में अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आइए थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, तब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ तक तो हम सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे, जो भी हम सूत्र पढ़ते हैं कि प्रथम पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, भाई इतनी क्रमागत संख्याएं दी गई हैं इनका योगफल कितना होगा। लेकिन अब जो आता है एक महत्वपूर्ण जो भाग है जिसका नाम है, अगर हम कहें क्रमागत भाज्य संख्याएं, समझिएगा क्रमागत भाज्य संख्याएं क्या है। तो जैसे हम इसको पढ़ रहे थे वैसे यहां भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सूत्र पे अब नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा। अगर कोई भी संख्या दी रहेगी तो हम सूत्र का प्रयोग करके नहीं लगा सकते, क्रमागत भाज्य संख्याएं, यानी कि हम कह सकते हैं क्रम से आने वाली भाज्य संख्याएं क्रम से आने वाली भाज्य संख्याएं क्रमागत भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्रम से आने वाली भाज्य संख्याएं क्रमागत भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए क्रम से जो भाज्य संख्या आएगी कैसे है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं जैसे 4, 6, 8, फिर आएगा 9, 10, फिर आएगा 12, 14, फिर आएगा 16, अलग सारी 15, फिर आएगा 16। यानी देखेंगे आप, यहाँ तो लग रहा होगा कि दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो एक का अंतर है, फिर एक का अंतर है, फिर दो का अंतर है, फिर दो का अंतर है, फिर एक का अंतर है, फिर एक का अंतर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम सूत्रों का प्रयोग कर देते हैं कि इतनी क्रमागत संख्याओं का योगफल के लिए जो हम सूत्र लगाते हैं कि प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे दो गुणे, हम क्या लगते हैं भैया, संख्याओं का मान रख देते हैं ना, हो जाता है गुणा कर देते हैं, कितनी संख्याएं हैं उसके आधार पर हम निकाल लेते हैं संख्याओं का योगफल। लेकिन हम कहें तो यहाँ देखिए सर्वांतर तो कोई मिला नहीं, सर्वांतर कोई समान अंतर तो मिल नहीं रहा है कि हम संख्याओं का योगफल उस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ देखिए अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, संख्याएं लिखनी होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किन्हीं दो क्रमागत भाज्य संख्याओं, या हम कह सकते हैं किन्हीं क्या सभी सभी निकटवर्ती
निकटतम, सभी निकटतम क्रमागत, सभी निकटतम दो क्रमागत भाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता। क्योंकि आप देखिए यहां अंतर कितने का मिला, भी दो का मिला ना, यहां भी अंतर दो का मिला, यहां अंतर एक का मिला, यहां अंतर एक का मिला, फिर दो का अंतर, फिर दो का अंतर, फिर देखेंगे एक का अंतर, फिर एक का अंतर। तो हम कह सकते हैं कि सभी निकटतम दो क्रमागत भाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता। सभी निकटतम दो क्रमागत भाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता। कहीं अंतर दो का हो जाता है तो कहीं अंतर एक का हो जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं। कहीं अंतर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है अंतर ज़्यादा भी हो सकता है, तीन का भी अंतर हो जाएगा। जैसे देखेंगे 28 है, 28 के बाद 32 मिलता है ना, ऐसे ही देखेंगे। तो अब बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच, जो भाज्य संख्याएं हैं उनके बीच दो का अंतर नहीं, सॉरी 28 के बाद 30 भी होता है, हालांकि अंतर कहीं दो का मिलेगा कहीं एक का मिलेगा ना। अभाज्य संख्याओं को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि देखिए जैसे 28 क्या है, भाज्य संख्या है, फिर 30 भाज्य संख्या है, 29 भाज्य संख्या नहीं है, 31 भाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ एक एक का अंतर या कहीं दो का अंतर कहीं एक का अंतर, ऐसे अंतर मिलते जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी निकटतम दो क्रमागत भाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता है, सही है। एक और संख्या को पढ़ लीजिए जिसका नाम है क्रमागत अभाज्य संख्या। यहां तो और विविधताएं रहती हैं। देखिए अगला नंबर क्या है भैया, क्रमागत अभाज्य संख्याएं। अगर हम कहें क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो देखिए क्रमागत अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हम लिख सकते हैं क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं, क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं क्रमागत अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे समझिए क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं क्रमागत अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या दो, फिर कौन भैया, तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर कौन, तो 11, 13, फिर कौन, तो आप कह सकते हैं कि 17, फिर 19, फिर कौन हो जाएगी 23, ऐसे ही हम बहुत सी संख्याओं को लिख सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं सीधा सीधा जाके 29 हो जाती है ना। समझिए यहाँ से आप, अगर यहाँ पे कहा जाए तो अंतर समझिए कितने का हुआ। यहाँ से कहिएगा एक का अंतर, यहाँ दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ चार का अंतर, यहाँ कितने, दो का अंतर, फिर यहाँ कितने, चार का अंतर, फिर यहाँ कहिएगा दो का अंतर, फिर यहाँ कहिएगा चार का अंतर, फिर देखिए यहाँ कितने का अंतर, अब तो और अंतर बढ़ गया, सही है, कितने का अंतर हुआ, छः का अंतर। तो हम कह सकते हैं देखिए 20 से 30 के बीच दो ही क्रमागत अभाज्य संख्या, दो ही अभाज्य संख्याएं हैं 23 और 29, तो अंतर कितने का हुआ भैया, 6 का हुआ। वैसे ही देखेंगे तो यहाँ भी कहिए क्या अंतर समान है, तो आप कह सकते हैं अंतर समान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी निकटतम, सभी निकटतम
दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता है। यानी कि हम बात करें कि सभी निकटतम दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता है। देखिए, कहीं अंतर एक का, कहीं दो का, फिर कहीं अंतर चार का हुआ, कहीं दो का, कहीं चार का, फिर कहीं अंतर छह का हुआ। तो हम कह सकते हैं सभी निकटतम दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता है। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और ज्यादा करके क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं को लेकर पूछता है। अभाज्य संख्याओं को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और हम कहें तो अधिक से अधिक बार क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से ही संबंधित पूछे गए, क्योंकि एक ऐसी संख्या है कि जब अभाज्य संख्याएं हमसे पूछेगा तो हमेशा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे कह देता है, कभी कभी पूछता है कि पांच, प्रथम पांच या प्रथम पांच धनात्मक अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा, या कभी कभी पूछता है प्रथम पांच धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। तो अगर हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी भैया, दो है, अब उसके बाद हम पांच तो संख्या लिख सकते हैं कौन कौन है और उनका योगफल कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि प्रथम नौ धन ऋण यानी अभाज्य संख्याओं का योगफल है, यही पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उन प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले हमें यह चीज बहुत जरूरी जानना था कि वास्तव में क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत भाज्य संख्या क्या होती है और क्रमागत अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर हम इतना जानते हैं तो निश्चित तौर पर जब प्रश्न आएगा तो इसका प्रयोग बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।